नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। SC ST एक्ट के विरोध में आज कालावाली मंडी के सामान्य वर्ग के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर के जुलूस निकाला। वहीं SC ST के विरोध में देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन कालावाली मंडी के SDM वीरेंद्र हुड्डा को सौंपा। जुलूस में न्यू आरती एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप जैन, आरती एसोसिएशन के प्रधान विनोद मित्तल अग्रवाल, वैश्य समाज के प्रधान नरेश सिंगला, कालावाली लैब टेक्नीशियन के प्रधान संजीव सिंगला, आरती एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मोहित गर्ग के साथ सैकड़ों की संख्या में सामान्य वर्ग के लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि समाज के वर्ग के साथ शुरू से ही धोखाधड़ी होती आई है, अब हम यह काला कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनाव में SC ST एक्ट का समर्थन करने वाले उम्मीदवारों का बहिष्कार किया जाएगा। कैमरामैन जगतार सिंह के तारी के साथ विमल गुप्ता की ये रिपोर्ट। आज का जो विरोध था, किस बात को लेकर था? जो हमारे ऊपर काला कानून थोपा हुआ है SC ST एक्ट का, उसके लिए विरोध में हम यहाँ SDM साहब के पास आए हैं और ज्ञापन दी है सारी मंडी में। कुछ मंडी की समस्याएं थी सड़कों की, वो भी SDM साहब से मिले हम, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिए। कितनी विरोध प्रदर्शन था? अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो आने वाले समय में आपका क्या रहेगा? हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम हड़तालें भी कर सकते हैं और पूरा ज्यादा से ज्यादा विरोध कर सकते हैं। ये उन्होंने सामान्य वर्ग को हमेशा ही वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। हम किसी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इसको जो इसका सिस्टम है उसके खिलाफ है। हम जो आरक्षण है, हम चाहते हैं कि जातिगत आधार पर ना होके आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जो गरीब जरूरतमंद आदमी है उसको आरक्षण दिया जाए, शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, नौकरियों में दिया जाए, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो जाति है, ये आरक्षण जो है जातिगत आधार पर बंद होना चाहिए। जो मौजूदा समय में आप देख सकते हो, किसानों के, जमींदारों के, अग्रवालों के, बनियों के, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो दो पल की रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पा रहे, और ऐसे बहुत से दलित परिवार हैं जिनके पास करोड़ों वर्गों की संपत्ति है। तो ये जो है ना, ये सिस्टम बंद होना चाहिए, इसके खिलाफ आज हम लोग लामबंद हुए हैं। आने वाले समय में हम लोग इन जो राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं, इनका भी बहिष्कार करेंगे। अगर हमें, अगर इन लोगों को हमारे वोट की परवाह नहीं है, तो हमें भी इन लोगों की परवाह नहीं है। आने वाले समय में अगर ये फैसला केंद्र और सरकार ने वापस न लिया, तो हम इन लोगों का बहिष्कार करेंगे।